वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार इनसाइड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए, मैं विश कर दूँ आप लोगों को हैप्पी विंटर मेरे तरफ से। अब जैसे कि विंटर वाला जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है दिसंबर, और अब हम लोग बेसिकली सारे ही फंक्शन में और डेली में, मतलब कहीं भी जाना आना होता है तो हम लोग क्या वेयर करते हैं, मोस्टली जैकेट वेयर करते हैं क्योंकि स्वेटर, स्वेटशर्ट, कार्डिगन, इनसे हमारा काम नहीं चलने वाला होता है क्योंकि काफ़ी वाली ठंड पड़ जाती है। वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसलिए क्योंकि ये जो मेरा हॉल होने वाला है ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्रीटी सी स्टाइलिश जैकेट का होने वाला है, जिसे मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है, खुद के पैसों से परचेज़ किया है। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनिटाइज ही नहीं है, क्योंकि आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर कुछ भी पार्ट वीडियो में अच्छा लगता है या मेरे चैनल में अच्छा लगता है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी कुछ नया देखना चाहते हो तो उसके लिए कॉमेंट किया करो कि किस टॉपिक का आप लोगों को रिव्यू देखना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, ये है मेरी प्रिटी प्रीसी तीन जैकेट, जिसमें से दो सिंगल है और एक जो ये रेड वाली दिख रही है ना आपको, ये रिवर्सेबल जैकेट है। तो चलिए बात करेंगे हम पूरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी सुंदर सी पीच कलर की जो सबसे ऊपर रखी है ना जैकेट, उसके बाद तो सबसे पहले हम इसकी बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और अभी इनमें से मैंने जो दो ऊपर वाली है ना वो वेयर नहीं की है, जो रिवर्सेबल वाली है वो वेयर कर ली है। तो सबसे पहले आप गाइज इसका लुक देख लीजिए। सबसे पहले हम इसके कलर की बात करें तो यहाँ पे ये पीच कलर की हमारी जैकेट है, और आपके इसका जो ब्रांड है वो है हमारा फॉरेन कल्चर बाय फोर्ट कॉलिन। और ये जैकेट बहुत प्रिटी है, और नेक की बात करें तो यहाँ पे आपको फर वाला पैटर्न मिलता है ऑल ओवर नेक में। यहाँ पे आपको ट्राई ऑन देखने को मिल जाएगा, तो ट्राई ऑन में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ना डिटेल देखने को मिल जाती है। तो ट्राई ऑन हर वीडियो की जान होती है, बेसिकली सभी लोग ट्राई ऑन ही देखने आते हैं, पर ना गाइज रिव्यू जो होता है ना, डिटेल होती है, वो आप लोगों को वीडियो से ही देखने को मिलती है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले नेक में इस तरीके का फर वाला ये डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी के ये फर हैं, ये ब्राउन कलर के हैं और इस तरीके के। यहाँ पे फुल जैकेट आपको पीच कलर की मिलती है, और आपको इस तरीके के दो पॉकेट मिलती हैं। ये पॉकेट वाला पैटर्न बनाया गया है, पर ये इस तरीके से कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, सिंपल है, ऐसे ही डिज़ाइन को इन्होंने क्रिएट किया है। और यहाँ पे आप लोगों को दो जिप मिलती हैं, यहाँ पे पॉकेट मिलती हैं इस तरीके की, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है हमारी ये, और दोनों साइड आपको दो पॉकेट मिलती हैं। और यहाँ पे आपको जिप सामने, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे जिप प्रोवाइड हुई है। और मैं आप लोगों को इसका अगर फैब्रिक बताऊँ तो जो गाइस यहाँ पे जो ये फ्रंट वाला फैब्रिक है, ये हमारा नायलॉन वाला जो फैब्रिक होता है वो यूज़ किया गया है। और अगर मैं अंदर के जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये पॉलिस्टर वाला जो फैब्रिक होता है ना, वो पतला वाला जो होता है पॉलिस्टर वाला, वो यूज़ किया गया है। और अंदर भी आप लोगों को एक पॉकेट देखने को मिलती है यहाँ पे, ये आप लोगों को यहाँ पे एक पॉकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिखाऊँ तो जो स्लिप्स होती ना, जो ये रिस्ट एरिया होता है, यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से ये जैकेट में ग्रिप दी गई है, इलास्टिक दी गई है, काफ़ी अच्छे से ये आपको यहाँ पे फिट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे स्लिप्स में आप लोगों को यहाँ की जो इसका जैकेट का ब्रांड है ना फॉरेन कल्चर, यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, काफ़ी कूल लुक दे रहा है। और नीचे भी जैकेट में आपको इस तरीके से, आई होप देख पा रहे हो, ये नीचे आप लोगों को इस तरीके से पूरे में इलास्टिक वाली ग्रिप मिलती है। और ये बॉम्बर जैकेट है गाइस, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई कि ये बॉम्बर जैकेट में आएगी, बहुत थिक है, हैवी ठंड के लिए है ये, और काफ़ी आप इसे जनवरी के महीने में भी पहनेंगे ना तो ये आप लोगों को फुल विंटर से ये प्रोटेक्ट करने वाली है, काफ़ी अच्छी है, फुल्ली रिकमेंडेड है। अगर आप यहाँ पे, मैंने इसका जो साइज़ परचेज किया है वो साइज़ यहाँ पे मैंने इसका L परचेज किया है, लार्ज परचेज किया है, तो ये मतलब
परफेक्टली फिट आ रही है मुझे, तो आप लोगों ने ट्राई ऑन में देख लिया होगा, तो इसका साइज़ एकदम एक्चुअल है। तो जो भी आपका साइज़ है उस साइज़ के परचेज़ करना। बाकी मिंत्रा पे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको साइज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक्सचेंज, इनकी पॉलिसी है वहाँ पे जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हैं साइज़ को। ये रोडिस्टर ब्रांड की हमारी जैकेट है और ब्राउन कलर है इसका, और काफ़ी मतलब प्रिटी वाला जो ब्राउन कलर होता है ना, वैसा कुछ ब्राउन। ओपन करते हैं और एक बार आप इसका लुक देख लीजिए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? पूरा फुल ऊपर तक का नेक मिलता है, और ये साइड वाली जो चेन होती है ना गाइस, साइड वाली जो जिप होती है, उस जिप वाली जैकेट है ये ब्राउन कलर की। नीचे से इस तरीके का आपको पैटर्न दिया गया है, और ये ब्लेजर लुक लगती है, काफ़ी प्यारा वाला इसका डिज़ाइन है। और इस तरीके से जिस तरीके के आपकी जैकेट में पैटर्न है ना, सेम पैटर्न आप लोगों को स्लीव्स में मिलता है। जैसे आपकी जैकेट में नीचे पैटर्न दिया गया है, वैसे ही आप लोगों को स्लिप्स में दिया गया है। यहाँ पे रोडिस्टर ब्रांड की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पे जो साइज़ मैंने इसका परचेज़ किया वो एम साइज़ परचेज़ किया है। और सारे के जितने भी प्राइस हैं और जो भी हैं गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वरना तो मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की इसकी यहाँ पे ये जिप लगाई गई है। ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से खुल जाती है। अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो जो ऐप में मेंशन है गाइस, ये जो फ्रंट वाला फैब्रिक है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये कॉटन का है, और जो अंदर वाला फैब्रिक है गाइस वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो पॉलिस्टर का है। तो ये आई डोंट नो कॉटन, कैसा कॉटन है मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ मिक्स विक्स किया गया हो, जो भी हो, पर बहुत प्यारा वाला लुक आता है इसे पहनने के बाद। तो आप इस स्पॉट को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेरी मिस्टेक से पड़ा है। तो साइज़ में ये एम साइज़ मैंने लिया है, ये क्योंकि थोड़ा सा लूज़ मिल रही थी तो मुझे इसका एम साइज़ आया है। और आप लोग अगर लूज़ पहनना चाहें तो अपने साइज़ की लीजिएगा, अगर थोड़ा सा फिटिंग की चाहें ना तो एक साइज़ छोटा ले लीजिएगा, परफेक्टली ये फिट आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरी है सेकंड जैकेट। तो चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड वाले की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वो मेरी जैकेट है। ये इस तरीके से, ओ गाइस सॉरी, ये इस तरीके से आपको अभी रेड दिख रही है ना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रिवर्सेबल जैकेट है, और यहाँ पे गाइस ये भी मेरी फॉरेन कल्चर बाय फोर्ट कॉलिन की है, और बहुत 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 बढ़िया वाला इसका रिवर्सेबल है। बेसिकली गाइस क्या होता है ना, जो रिवर्सेबल जैकेट होती है ना, उनका जो रिवर्स होता है यानी कि अंदर का, अगर आप लोग बाहर वेयर करते हो ना, बहुत अजीब लगता है, और अच्छा वाला मतलब उसका नहीं रिवर्सेबल होता है, जो काफ़ी मतलब बेकार सा लगता है कि आप लोग अंदर वाला कभी बाहर पहनते ही नहीं। क्योंकि पहले भी मेरे पास ऐसी एक जैकेट थी, बाहर से वो बिल्कुल प्लेन थी, अंदर से उसमें फ्लावर लगे हुए थे, जो बहुत बुरा लगता है देखने के लिए। तो यहाँ पे गाइज ये रेड कलर का फ्रंट आपको मिलता है, और यहाँ पे दो पॉकेट दी गई हैं इस तरीके से, वन और ये टू, और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की गई है, और फुल इसकी जो एक ऊपर तक का जो हाई नेक होता है ना, इस तरीके का हाई नेक यहाँ प्रोवाइड किया गया है पूरा। और ना सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ ना, इसकी जो जिप है ना वो हमें मेटल वाली प्रोवाइड होती है। इस तरह जैकेट की जो क्वालिटी होती है ना, उसमें चार चांद लग जाते हैं। पहली चीज़ तो जो मेटल वाली जो जिप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पे आप इसका एक ये कलर देख लीजिए, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं। तो गाइज ये देखिए, ये इस तरीके की अंदर से हमारी ब्लैक कलर है, ये देखिए ये हमारी बन गई ब्लैक कलर की जैकेट, यानी कि आप समझ सकते हैं। और वहाँ पे आपको उस तरीके की रेड कलर की पॉकेट दे रखी थी जिसमें जिप नहीं थी, पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसे करके ब्लैक कलर की ये जिप दे रखी है। बहुत 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 A1 क्वालिटी है इस रिवर्सेबल की, जिसका ब्लैक कलर है वो भी बहुत प्यारा वाला ब्लैक कलर है, एकदम जो डार्क जेट ब्लैक कलर होता है ना, उस कलर का ये मिला है। तो गाइस अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पे हम जैकेट लेते हैं, और कहीं जाना होता है हमें पार्टी में, या कहीं भी किसी के फंक्शन में जाना होता है, तो क्या होता है कि अगर हम एक जैकेट वेयर करते हैं फिर हमें दो तीन जैकेट कैरी करनी पड़ती, तो पर ये आपकी जैकेट ऐसी है कि एक जैकेट में आपके दो जैकेट का काम करेगी, तो आपका जो बैग है वो भी कम भरेगा, और लुक भी आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छी है। इसे मैं रिकमेंडेड करूँगी, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो प्लीज़ ले सकते हैं, ये वर्थ इट है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस भी वर्थ इट है, आप ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की जैकेट की हॉल रिव्यू वीडियो।
आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ यार दोस्तों पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाओ। एक लाइक, छोटा सा एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं और रिव्यूज़ चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय है।